नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बाजपुर चीनी मिल की सहकारी आसवनी को लीज पर देने के सरकार की ओर से निकाली गई विज्ञप्ति के विरोध में लोगों ने चीनी मिल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्दी सरकार की ओर से विज्ञप्ति को निरस्त करने की मांग की। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रदेश सरकार की ओर से बीते दिनों बाजपुर चीनी मिल की सहकारी आसवनी को लीज पर देने को लेकर निकाली गई विज्ञप्ति के विरोध में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इसी के चलते नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह सैकड़ों लोगों के साथ एकत्र हुए, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने लीज पर निकाली गई विज्ञप्ति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से विज्ञप्ति को वापस किए जाने की मांग की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि यदि सरकार की ओर से मांग को अनसुना किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जीएम चीनी मिल बाजपुर हरवीर सिंह को सौंपा गया। इस संबंध में हरवीर सिंह ने कहा कि अभी विज्ञप्ति निकली है, कुछ निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय मिल हित में ही लिया जाएगा। बाजपुर से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। चीनी मिल की इकाई असमनी इकाई को लेकर जो है हमने धरना प्रदर्शन कराया। एक सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें हमारी डिजिटली जो है असमनी इकाई जो है उसे ठेके पे लीज पर या पीपी मोड में देने के लिए प्रकाशित किया गया है। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को निरस्त किया जाए, अन्यथा अगर विज्ञप्ति निरस्त नहीं की गई और ये निजी हाथों में जो देने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया, अगर इसे कैंसिल नहीं किया गया, निरस्त नहीं किया गया, तो हम मजदूर, किसान, व्यापारी, बाजपुर की सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधि लोगों को साथ में लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक सरकार इस विज्ञप्ति को निरस्त नहीं करती, फिर ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने सिर्फ एक सांकेतिक धरना दिया है, सरकार को चेताया है कि अगर आप अभी भी नहीं चेते तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन बनेगा। फिर उसके बाद जो है जब तक ये विज्ञप्ति निरस्त नहीं होगी तब तक हम लोग अपने घर चैन से नहीं बैठेंगे। आज हमारे साथ किसान यूनियन के हमारे बुजुर्ग भी हैं, पुराने लीडर हैं, कृष्ण कुमार शर्मा जी, और भारतीय यूनियन किसान के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजपा जी, बाजपुर के हमारे सभासद, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, मजदूर, सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं फिर ना सरकार से फिर अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो है इसे निरस्त किया जाए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं प्रदेश के, कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि जो हमारा JLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अभी तक नहीं तैयार हो पाया, जिसकी वजह से हमें ENA खरीद की और यहाँ अपनी जो डिस्टिलरी है वो चलानी पड़ रही है, जिससे हमें अतिरिक्त जो है राजस्व की हानि हो रही है। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि 29 लाख की बैंक गारंटी जो काफ़ी पहले से लंबित थी, उसका डिसीजन लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने उस 29 लाख का जो है बैंक गारंटी का डिसीजन हुआ था, जिसके क्रम में एक पहला प्रयास ये किया गया है कि यदि कोई पार्टी या कोई कंपनी इस JLD को अपने पैसे से लगा के यदि इस मिल को आसवानी को जो है चलाना चाहती है तो उसका एक टेंडर निकला हुआ है, और अभी जो कि उसके अभी प्रक्रिया धीम चल रहा है, उसमें अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है, और जिसके क्रम में आज यह एक धरना जो हमारे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष श्री गुरजीत सिंह गित्ते जी उनके तत्वाधान में यहाँ एक धरना किया जा रहा है, जिसकी सूचना पहले से ही हमें प्राप्त थी। शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। सबका मकसद यह है कि ये मिल अच्छे से चले और उसका जो हमारी डिस्टरी है वो भी अच्छे से चले, ताकि जो कपूर में जो हानियाँ हुई हैं उसकी भरपाई की जा सके, और भरपाई हुई भी है। इस वर्ष जो है मिल काफ़ी अच्छी चली और काफ़ी करोड़ों रुपए की हानि को कम भी किया गया है। मिल चूँकि बहुत पुरानी है, सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, जिसके क्रम में 13 करोड़ रुपए, अभी 13 करोड़ कुछ रुपए यहाँ के और 13 करोड़ कुछ रुपए आपके किच्छा मिल के लिए स्वीकृत भी किए हैं, जो हमारे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो कि देर रात मीटिंग हुई 10:30 बजे के बाद, उस पर निर्णय लिया गया था, और इसमें हमारी दिल्ली की टीम जो हमारी आई थी वो सब अपना देख गई है, और किस तरह से हमारे बॉयलर तैयार होने हैं, किस तरह से आगे हमारी जो
प्रोडक्शन की जो बॉयलिंग हाउस है उसको तैयार होना है, वो भी मतलब अंतिम चरण में है, उसका भी टेंडर निकल चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह मिल अपने पुराने जो गर्मामय इतिहास को छुपाए। अभी तो प्रयास ये कि वही खर्च करे, अगर हमें करना है तो फिर टेंडर नहीं निकलता, फिर तो हम ही अपना ZLD का टेंडर निकाल के स्वयं इसकी तैयारी कर लेते हैं। अगर कोई कंपनी लगा के इसको रन करना चाहती तो इसका एक प्रयास किया गया है, तो मुझे अभी तक तो कोई लगता नहीं कि अभी कोई इसमें किसी ने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि इसको भी देखने भी नहीं आया अभी तक। और चूँकि ये काफ़ी समय से चूँकि बंद भी थी पर्यावरण विभाग की ओर से इस पर उसका संज्ञान लेते उनके द्वारा बंद कराया गया था, तो जैसे ही इस पर अंतिम निर्णय हो जाता है वो सबके सामने। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।